Hey guys, welcome to FitSamra's first ever vlog. चलो आप सबको आज मैं अपने बारे में बताऊंगी. यू गाइज ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी आप कहाँ से हो. आई वुड लव टू रीड योर लवली कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच दैट यू गाइज केम टू माई यूट्यूब चैनल एंड हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. चलो स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ. आई एम एन इंडियन नेशनैलिटी. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ ब्यूटिफुल सिटी कॉल्ड चंडीगढ़. जो जिनको नहीं पता, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है. स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं. आई हैव बीन इन एन ऑल गर्ल स्कूल फॉर 14 ईयर्स. आई नो राइट, बहुत टाइम होता है, बट आई थरोली इंजॉयड माई टाइम इन सेक्रेड हार्ट स्कूल. देन स्कूलिंग के टाइम आई वॉज रियली एक्टिव इन को करिकुलर एक्टिविटीज. स्पोर्ट्स में आई लव्ड प्लेइंग बास्केटबॉल. मेरे भाई खेलते थे बास्केटबॉल, तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट पड़ा. आई प्लेड 9 नेशनल्स फॉर चंडीगढ़ सिटी एंड ऑल्सो लेड एज अ कैप्टन मेनी टाइम्स. चलो स्कूल की बात तो बहुत होगी. स्कूल तो बास्केटबॉल ही खेला. आई ऑल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट थ्रू नेशनल्स. अलग अलग लोगों से मिलती थी, अलग अलग एथलीट से मिलती थी, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानती थी. आई बिन टू त्रिची, आई बिन टू कर्नाटका, आई बिन टू महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब. सो दीज वर माई 9 नेशनल्स स्कैटर्ड अराउंड. चलो स्कूल का तो बहुत हो गया, अब मैं बताती हूँ कॉलेज का. कॉलेज के लिए आई हैव डन माय कॉलेज फ्रॉम SD कॉलेज चंडीगढ़. वहाँ पर मैंने किया है BCom ऑनर्स एंड BCom तो करी वहाँ पर, बट मेरा बास्केटबॉल खेलने का भी मन था. बट सैडली वहाँ पर हमें 5 लड़कियाँ भी नहीं मिल पाई बिकॉज गर्ल्स वर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले बास्केटबॉल इन कॉलेज. तो आई हैड टू टेक डिफरेंट रूट इन लाइफ. तो आई न्यू दैट टाइम कि बास्केटबॉल का चैप्टर क्लोज हो गया है, अब कुछ और करना पड़ेगा लाइफ में. सो आई स्टार्टेड डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई वर्कड विद पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज स्टार्टअप वीकेंड्स. ये था कॉलेज लाइफ. एंड देन जब कॉलेज ख़त्म हुआ, आई गॉट प्लेस्ड इन अ बिग अकाउंटिंग कंपनी. इट वॉज कॉल्ड अर्नस्ट एंड यंग. जिनको नहीं पता, EY, CPT, CAs, ACCAs, इन सब को आगे बढ़ावा देती है. बट आई वॉज देयर इन गुड़गांव फॉर 6 to 8 मंथ्स, बट आई डिडंट रियली इन्जॉय माई टाइम देयर बिकॉज डेस्क जॉब था, सारा दिन 9 to 5 वो ही सेम काम, किट किट पिट पिट. सो दैन आई रियलाइज दैट आई शुड मूव अहेड इन लाइफ. तो I moved to Canada to do my post graduation in marketing and management. And then jab Canada move ki to it was a different world, like sab kuch hi different tha. It socha nahi tha ki itna cultural shock lagega, itna different hoga sab kuch. But it was a learning curve for me and I learned balance karna sikha, kaise apna school, college, लॉन्ड्री, डिशेज, क्लीनिंग, सब कुछ खुद कैसे करना है, बस के पीछे कैसे भागना है स्कूल टाइम पे. सो या हैड सम रियली ग्रेट मेमोरीज. एंड देन उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ, देन आई गॉट अ गुड जॉब एंड मेरे को अपनी परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई यहाँ पर कैनेडा में. एंड देन उसके बाद चलो अब ये बताती हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ. हाउ डिड YouTube start, how did Instagram start, and what made me be an influencer. So it started in pandemic 2020 mein. Ghar pe work from home ho gaya tha, kuch karne ko nahi tha, and samajh nahi aa raha tha kya karu, because I've always been very active, volunteer ho gaya ya co-curricular activities ho gaya, kuch na kuch to main karti rehti thi, but pandemic mein kuch karne ko tha nahi. To maine kaha kya kiya jaye. सो देन मेरे को आइडिया आया कि आई बीन रियली पैशनेट फॉर फिटनेस बचपन से, सो वाई नॉट डू दैट, गिव इट अ शॉट, राइट. सो आई मेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट. तो वहाँ पर मैं अपलोड करने लगी अपना फिटनेस वर्कआउट्स, अपने बारे में बताने लगी. एंड थैंक्स टू यू गाइस कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 1 ईयर में वी डिड ऑलमोस्ट 300K फॉलोअर्स. आई स्टिल कांट बिलीव, टच वुड. एंड थैंक यू गाइस कि आप सब ने इतना प्यार दिया. देन उसके बाद
rest is history. Ab main yahan par hu apne present mein YouTube bana rahi hu so that I can walk you guys through my life journey and hum ikatthe duniya dekh sakte hain aur ghum sakte hain. All right, that's in short for me. Ab main yahan par actually jog karne aayi thi, so I'll take you guys along. Okay guys, chalo fir. Ab mere bare mein to jaan liya. Ab hum thodi jogging karte hain jo main karne aayi thi. ओके गाइस जॉगिंग होगी आज की, काफ़ी थक गई हूँ. आज मेरी छुट्टी है तो आई एम थिंकिंग कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ. आई टेक यू गाइस अलॉन्ग, बट अभी के लिए बाय. ओके गाइस, आज का कार्डियो तो हो गया, अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सो चलो स्मूदी पी लेते हैं. दैट्स व्हाट आई यूजुअली हैव फॉर माय ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद आपको मैं स्मूदी की रेसिपी भी बता दूंगी. ओके गाइस, अब बहुत भूख लगी है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ स्मूदी में. सेटअप मैंने कर लिया है तो ये है ब्रोकली, जुकीनी एंड केल का मिक्सचर, ये ब्लूबेरीज, मिल्क, पीनट बटर और एग वाइट्स. तो आज ये सब मिक्सचर के साथ हम एक हेल्दी स्मूदी बनाएंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऐसा लग रहा है कोई कुकिंग शो रन कर रही हूँ मैं. ओके, दूध डाल दिया एंड एग वाइट्स यूजुअली मैं दो एक कप डालती हूँ. तो दिस इज 120 ml का कप. तो अब हम डाल देते हैं बीच में ये. बहुत भूख लगी है, थक गए सुबह से. अब ये खा के थोड़ा सोच रही हूँ कि नैप ले लूँ. ओके ओके, दिस इज डन. अब एंड में थोड़ा सा पीनट बटर भी डाल देती हूँ मैं इसमें. स्वाद है. ओके, सो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे. मैं मुंह पे तो नहीं लग गया. ठीक है, स्मूदी लग रही है तैयार. सेटअप कर देते हैं, ये कई बार ना सेट नहीं होती प्रॉपर. ओके, दिस इज डन. प्लग लगा हुआ है, मेरे हाथ पता नहीं क्या क्या लग गया है. ओके ओके, देखते हैं. लग तो रही है पूरी स्मूथ स्मूथ. अब पी के देखते हैं कैसी बनी है. हेल्दी स्मूदी फॉर हेल्दी मॉर्निंग. चीयर्स. अच्छी बनी है. ओके गाइस, स्मूदी खत्म करके मैं थोड़ी नैप लेने लगी हूँ. फिर देखते हैं शाम को कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं. सी यू गाइस, बाय. हे गाइस, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और वैसे तो मेरे को शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, बट आज कुछ करने को है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो वी आर प्लानिंग कि आज हम जूते पहन के शॉपिंग करने चलते हैं. लेट्स गो. मास्क चेक, ठीक लग रहा है. पर्स ले लिया है, प्लीज चेक. चलो लेट्स गो. Strikes by my window. चलो पानी ले लिया है.
वो बैग में फंसाती हूँ अपने, मैं पानी हर जगह लेके जाती हूँ, मैं बहुत बड़ी प्यासी कौवी हूँ, आई लव माई वाटर। तो मॉल में भी ले लिया है पानी, चलो लेट्स गो, एक मिनट मैं हैंड क्रीम लगा लूँ। चलो अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ, देखते हैं की लेना। धुप तो बहुत है, गर्मी बहुत लग रही है ऑलरेडी। शॉप पसंद की मिल गई है गैराज, यहाँ चलते हैं और लेट्स सी व्हाट डू दे हैव फॉर समर। ओके, गैराज ने डिसअपॉइंट किया, कोई ज़्यादा वहाँ पर अच्छा था नहीं कुछ लेने को, बट कोई ना, अभी और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, दुकान हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। आडिनी सोच रही हूँ, आडिनी इज़ यहाँ पर अच्छी दुकान है, सस्ते कपड़े मिलते हैं, एंड आई प्रेफर कि सस्ते लो, पहनो और फेंको, बिकॉज बोर हो जाते हो कपड़ों से कभी कभी। तो या चलो, आई एम ऑल सेट, अब मैं पानी पी लिया है, सैनिटाइज कर लिया है, अब लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग। ओके चलो आडिनी चलते हैं, ये भी मैंने यहीं से ली थी टॉप, अब देखते हैं इनके पास कैसा समर का सामान है। चलो आज वो ड्रेसेस लेनी है समर की, देखते हैं क्या है। ये पड़ी है थोड़ी, आई एम थिंकिंग अ जंप सूट इज़ वेल, दिस विल लुक गुड, तो देखते हैं इसको पहन के ट्राई करके कि कैसा लगता है। साइज़ कौन सा है, दिस इज़ मीडियम, ये पसंद आया है, फाइनली साइज़ भी है इसमें, तो देखते हैं ट्राई करके कि कैसा लगता है। चलो तो आप ट्राई करती हूँ, ये लेनी थी बीच के लिए, कैसी लग रही है? नहीं नहीं अच्छी है, अच्छी है, और देख लेते हैं, अगर नहीं मिली तो ये ले लेंगे। चलो एक चीज़ पसंद आ गई है, अब दुकान बंद हो रही है, घर जाकर ट्राई करके दिखाऊंगी। इयररिंग्स भी देख रही हूँ जल्दी जल्दी अगर टाइम है। मॉल बंद हो गया है, आज सोचा था कि 9 बजे होगा, बट अनफॉर्चुनेटली 6 बजे हो गया, बट आई वॉज एबल टू बाई वन ड्रेस फॉर माई सेल्फ, तो अब देखते हैं क्या करना है। ओके गाइज, अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ जो मॉल से लिया आज। ओके गाइज, मैंने ट्राई कर लिया है रॉम्पर ड्रेस जो कि आज हमने मॉल से ली है, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, एंड आई वुड लव टू रीड ऑल योर लवली कमेंट्स। अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, आई विल टॉक टू गाइस लेटर, बाय। हे गाइस, आई एम डन फॉर द डे नाउ, आज का दिन हेक्टिक रहा थोड़ा, तो अब आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, वॉच सम नेटफ्लिक्स एंड टेक इट ईजी। चलो देखते हैं नेटफ्लिक्स पे कुछ अच्छा ढूंढते हैं। ओके गाइज, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री ढूंढ ली है, लेट्स सी कैसी है। इट्स कॉल्ड द गेम चेंजर्स। ओके गाइज, तो मूवी ढूंढ ली है, अब वाइब क्रिएट कर लेते हैं थोड़ी मूवी देखने के लिए। सो लेट्स स्विच ऑन ऑफ द लाइट्स एंड स्विच ऑन सम फैंसी कलर्ड लाइट्स। ये कैसा है कि ब्लू, आई लाइक पिंक बेटर, पिंक देखते हैं। ओके, अब देखते हैं हम अपनी मूवी, लेट्स गो। ओके गाइस, डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो गई है, अब मैं सोच रही हूँ कि आई जस्ट एंड द डे, बहुत थक गए आज,
and I usually finish my day on a positive note. So aaj ki meri positive affirmation hai ki it was difficult to start the vlog. I mean, it was something I had never done before. But ek cheez pata thi ki at the end of the day, gradually aap seekh jaate ho whatsoever it is in life. So with that hope, I'm ending the day. And agar aapko aaj ka vlog acha laga, please make sure that you like, comment, share with your family and friends, and also hit that bell icon if you haven't. उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वेन एवर आर नेक्स्ट वीडियो कम्स अप. ऑल्सो जस्ट टू लेट यू गाइज नो, वीडियो व्लॉग हर ऑल्टरनेट डे पे आएगा. जैसे आज आया, आज थर्सडे है 15th of July, तो नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोना कम ऑन सैटरडे, दैट इज़ 17th of July, तो उसके बाद 19th July. तो एवरी अदर डे एवरी सेम टाइम पे 8 PM पे आएगा. ओके गाइज, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जो कि 17th को आएगा 8 बजे. ओके, गुड नाइट, बाय.